गौतम बुद्ध नगर में बिछाया जा रहा है तीसरी आंख का नेटवर्क। सीपी लक्ष्मी सिंह ने ऑपरेशन दृष्टि को लेकर के दिशा निर्देश दे दिए हैं और गौतम बुद्ध नगर के तीनों जोन वाई जोन लोगों को जागरूक किया जा रहा है। 8300 कैमरे अब तक लगाए गए हैं। अपराध नियंत्रण और खुलासे में तीसरी आंख काफी मददगार भी साबित होगी और गौतम बुद्ध नगर के तीनों जोनों में 10,000 कैमरे लगाए जाएंगे। पब्लिक प्लेस, इंडस्ट्रियल एरिया, कमर्शियल मार्केट, स्थानीय लोगों के सहयोग से लगाए जा रहे हैं कैमरे। पुलिसिंग करते हुए लोगों के साथ खासकर महिलाओं में भी सुरक्षा की भावना जागृत की जा सकेगी। तीसरी आंख के फुटेज का प्रयोग आपराधिक घटनाओं के खुलासे में हो सकेगा। कैमरे से निर्दोष लोगों को चिन्हित करने और सही अपराधी को ढूंढने में भी काफी मदद मिलेगी। तो देखिए, तीसरी आंख का नेटवर्क बिछाया जा रहा है नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में बिछाया जा रहा है तीसरी आंख का नेटवर्क। सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं। सीपी लक्ष्मी सिंह ने ऑपरेशन दृष्टि को लेकर के दिशा निर्देश दिए हैं और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आम जनता की सुरक्षा के लिहाज से ये जो ऑपरेशन है वो सफल हो, ज़्यादा से ज़्यादा सीसीटीवी लगाए जाए ताकि कोई भी अपराधी किसी भी सीसीटीवी से बच ना जाए और अपराधियों की धरपकड़ के लिए, चोरों की धरपकड़ के लिए ये ऑपरेशन जारी है। पब्लिक पैलेस और इंडस्ट्रियल एरिया, कमर्शियल एरिया, जगह जगह पर सीसीटीवीज लगाए जा रहे हैं। तो तीसरी आंख के फुटेज का प्रयोग आपराधिक घटनाओं को कम करने के लिए होगा और अपराधियों को चिन्हित करने के लिए ये नेटवर्क बहुत महत्वपूर्ण होगा। निशांत शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, तीसरी आंख का ये जो नेटवर्क है बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेशन है और इसी के साथ साथ कहां कहां पर ये सीसीटीवीज लगाए जाएंगे? देखिए, ऑपरेशन दृष्टि पूरे प्रदेश में ये डीजीपी के निर्देश पर अभियान चलाया जा रहा है। वहीं जो पुलिस कमिश्नर है लक्ष्मी सिंह, उनके नेतृत्व में पूरे जनपद पुलिस को तीनों जोनों को निर्देश दिए गए हैं। जिस तरीके से जो यहाँ के ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर हैं आनंद कुलकर्णी, उन्होंने उनके द्वारा बताया गया है कि अब तक तीनों जोनों के अंदर जो रेजिडेंशियल इलाके हैं या कॉमर्शियल इलाके हैं या फिर कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं उनके अंदर अब तक 8300 कैमरे लगभग अब तक तीनों जोनों में लगाए गए हैं और हर जोन के अंदर 10,000 कैमरे लगाए जाएंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए अपराध पर, कानून व्यवस्था पर लगाम लगाने में और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं इसमें जो है निखार मिलेगा और कहीं ना कहीं मेन अपराधी को पकड़ने में, सर्च करने में कहीं ना कहीं पुलिस का सहयोग रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। इसमें नोएडा जोन में लगभग 4,000 के आसपास, सेंट्रल नोएडा जोन में 2,500 के आसपास और ग्रेटर नोएडा जोन में लगभग 1,900 कैमरे इंस्टॉल हुए हैं। कुल अब तक 8,300 कैमरे इंस्टॉल हो चुके हैं। इस ड्राइव के अंतर्गत ही ये टारगेट है कि कम से कम सभी जोन से इसकी संख्या बढ़ा के 10,000 के आसपास कैमरे लगाने का टारगेट है और इस दिशा में लगातार पुलिस के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। इसके दूसरे चरण में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत ऐसे कैमरे जो कि पब्लिक प्लेसेस पे है वहाँ पे उन लोगों के ओनर से कंसेंट लेके उनको आईटीएमएस के साथ जोड़ा जाएगा जिससे उनकी सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग हो सके। इसमें